पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद में एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के संस्थापक और संस्थापक ट्रस्टी तथा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करने मुरादाबाद पहुंचे वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश खन्ना ने मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दिनेश कुमार, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक नीतीश गुप्ता, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के साथ शहर के सामाजिक लोग मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के संस्थापक ट्रस्टी लाजपत राय तलवार और स्वर्गीय विनोद खन्ना की मूर्ति का लोकार्पण करके खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा मुरादाबाद शहर में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया और विकलांगों को ट्राई साइकिल देकर उन्हें सम्मान दिया गया। आयोजित सभी अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और मिथिलेश कुमार राज्यसभा सांसद ने ट्रस्ट के पूर्व सचिव और वरिष्ठ समाज सेवी विनोद खन्ना की प्रतिमा का शंख और घंटों की ध्वनि के साथ अनावरण कर फूल मालाएं अर्पित की। इस दौरान MHEA के संरक्षक नजमुल इस्लाम को सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन बनने पर एशियन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK पांडे ने नजमुल इस्लाम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा में सतत रूप से लगे रहने के लिए KC शर्मा, अशोक भाटिया, संतोष नारंग को अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। सामाजिक जिम्मेदारी के क्रम में मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के 5 दिव्यांग लोगों को अतिथियों के द्वारा ट्राई साइकिल भी भेंट की गई। इसके पश्चात विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल के मेधावी छात्रों को अतिथियों के द्वारा छात्रवृत्ति और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। Smart Sound. Smart Sound. द्वारा किए गए सेवा कार्य हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ी याद रखती है और उसका मूल्यांकन भी इसी आधार के ऊपर होता है। योग्य वारिश वो होता है जो अपने पूर्वजों की ख्याति को, नाम को, संपदा को, संपत्ति को आगे बढ़ाए। और हम समझते हैं भाई नीरज खन्ना जी ने एक बहुत पूर्ण काम किया है जो हमारे इस अस्पताल के दोनों ट्रस्ट के पदाधिकारी अध्यक्ष और सचिव था। यहाँ पर उनके कार्यों के मूल्यांकन स्वरूप उनकी प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना की। जब उनकी स्मृति में उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि मनाई जाएगी तब तब इन लोगों के क्रियाकलापों को यहाँ पर निश्चित रूप से याद किया जाएगा। स्वर्गीय माननीय विनोद खन्ना जी के कार्यकलापों से इतना प्रभावित है, उनके कार्यक्रम में आने को अपने रूप नहीं पाया। उनके बड़े पुत्र भाई विनोद खन्ना जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया और उनके द्वारा जो मुरादाबाद में सामाजिक कार्य किए गए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्पताल के द्वारा जो सेवा की जा सकती है वो किसी दूसरे माध्यम से नहीं, उन्होंने अस्पताल हो, स्कूल हो, किसी के माध्यम से भी जनता को सेवा किया। मैं उन्हें पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के प्रांगण में एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करा गया, जिसमें हमारे मेरे पूज्य पिताजी श्री विनोद कुमार खन्ना जी की मूर्ति का अनावरण माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री व मिथिलेश कुमार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हैं उनके द्वारा अनावरण किया गया। और श्री LR तलवार जो कि ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर रहे हैं उनकी भी मूर्ति का अनावरण करा गया। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और मैं इस दिन के
उपलक्ष्य में आप लोगों के माध्यम से ये बधाई देना चाहूँगा कि ये मेरे पिताजी के लिए एक पूर्ण श्रद्धांजलि है, और इस श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं सभी लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। किन किन लोगों को सम्मानित किया गया और क्या क्या कार्यक्रम रहे, कुछ रहे सकले ये चीज़ें? आज क्योंकि मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उद्देश्य रहा है शुरू से चैरिटी करना, इस उद्देश्य को लेकर के आज 5 ऐसे विकलांग लोगों को जिनके पास जिनके पैर आधे कटे हुए हैं व उनके पास पैसे की सुविधा नहीं है, तो ट्रस्ट ने उनको आज 5 ट्राईसाइकिल डोनेट करी हैं। व शहर के 3 लोग ऐसे जो कि तरह तरह के समाज से जुड़े हुए काम करते रहते हैं, जैसे कि आपका जो आप लावारिस लाशें होती हैं उन लोग उन लाशों को फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर कुछ मजहब देखे हुए वो उसका क्रेमेशन करते हैं, ऐसे इस तरह के लोगों को हमने आज शहर से चिन्हित करा और लोगों को उन लोगों का उत्साहवर्धन करा, और जैसे समाज में एक मैसेज जाए ऐसे लोग भी आज की तारीख में हम लोगों के बीच में हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारे शहर में है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।